ये जो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था है उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। बादल देवनाथ कह रहे हैं ममता बनर्जी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, ममता बनर्जी विक्टिम नैरेटिव प्ले कर रही है, वो कह रही है मुझे तो टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल में ये हिंसा दोनों पार्टी भी रिस्पॉन्सिबल है, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों भी एक के ऊपर एक आरोप कर रहे हैं। मगर बीरभूम में जो हत्या हुआ 7 लोग एक बार और दो बच्चे भी, ये बहुत अफसोस की बात है। ये स्टेट गवर्नमेंट ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरा पूरा फेल हो चुके हैं। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट का है और इसका बारे में जो अधिकारी ये इसका रिस्पॉन्सिबल है वो लोगों का ऊपर एक्शन करने का एक्शन लेने का जरूरत है। ये वायलेंस बार बार बंगाल में क्यों आ रहा है ये इसका बारे में चर्चा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इसका पीछे में है और तृणमूल कांग्रेस भी है। तृणमूल कांग्रेस वहीं पर मौजूद है जहां पर ये निर्मम तरीके से बच्चों महिलाओं को जलाया गया। प्रसन्नजीत हमारे साथ हैं। प्रसन्नजीत वहां पर आप खड़े हैं, वहां पर बीजेपी नेताओं का जो डेलीगेशन था वो भी गया था, तस्वीरें वहां पर दिखाई और लोग क्या कह रहे हैं, लोग आई विटनेसेस से आपकी बात हुई होगी वो क्या बता रहे हैं आप? देखिए पहले भी बता दूं मैं जहां पर अभी खड़ा हुआ हूं ये रामपुरा अर्थात बीरभूम जिले की जो गांव है उस गांव में, और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा थोड़ा मैं पहले कि मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं ये घर वही घर है जहां पर एक साथ 7 लोगों की मौत का जो डेड बॉडी है वो पाया गया था, और जो दमकल यहाँ पर जो दमकल का वाहिनी था और पुलिस प्रशासन वो दोनों ने यहाँ पर 7 बॉडी एक साथ रिकवरी किए थे। और उसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि इस घर में 7 बॉडी मिला था। पुलिस प्रशासन कह रही है कि यहाँ पर टोटल 8 लोगों की मौत हुई है, पर जो परिवार के लोग हैं जो यहाँ के जो जिनके मौत हुई है उनका जो परिवार का लोग है उनका दावा है कि 10 लोगों की मौत हुई है, 8 की नहीं। और इसके अलावा थोड़ी देर पहले ही हमने देखा यहाँ पर सीआईडी की टीम अभी तक है और कुछ देर पहले फॉरेंसिक की टीम भी आए थे, वो यहाँ पर जो उनके जो कलेक्ट करने की चीज़ थे वो सब कलेक्ट करके वो ले गए। और उसके बाद सबसे पहली चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना को लेकर जो निर्मम घटना यहाँ पर रामपुरहाट बीरभूम जिले में घटी है, इस घटना को लेकर जो बात अभी तक प्रशासन के तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरी घटना एक दो गोष्ठी जो दल थे उनके लड़ाई के बीच में हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि शासक दल इसको जैसे कह रहे हैं, दूसरी तरफ अभी तक यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी की लोग जो थे वहाँ पर भी आए थे, उन लोग आकर यहाँ पर हमने देखा कि वो लोग आकर यहाँ पर जो स्थान थे वहाँ पर घूम के गए देख के गए कि क्या यहाँ पर क्या बता रहे। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते बीजेपी की महिला लोग हैं जो आए थे यहाँ पर देख के गए घटनास्थल क्या हो रहा है, उनसे भी थोड़ा बात करके आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। दीदी आप लोगों ने आया यहाँ पर देखा क्या देखा अभी तक? देखिए यहाँ पर जो हुई ऐसा दुनिया में कहीं हुआ हम सुना नहीं है, देखा नहीं है, मेरा तो इतना उम्र हुआ कभी तक देखा नहीं है, सुना भी नहीं है कोई 10 औरत को जिंदा जला जाता है कमरा बंद करके, दरवाजा बंद करके, उसमें पेट्रोल डाल के, उसी के कुछ रिवेंज पॉलिटिकल रिवेंज के लिए किसी को ऐसे मारा जाता है सुना नहीं है। इतना ऐसा इंसिडेंस इन बंगाल हमने 2001 में देखा छोटा अंगारिया में, उसी को रिजम्बल उसी को याद दिलाता है ये। आज कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ गया हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारे खड़े हैं खाली प्रोटेक्शन देने के लिए क्रिमिनल्स को और प्रोटेक्शन देने के लिए रूलिंग पार्टी। घटना घटी है कि यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो अभियोग तोड़ रहे हैं कि जो घटना घटी है पुलिस यहाँ पर नहीं थी इसीलिए घटी, नहीं तो ये मौत नहीं भी हो सकती थी अगर पुलिस यहाँ गांव में होती उस दिन। नहीं हम मानते नहीं है, यहाँ का SP बताया था कि हमारे बंगला में बताया था कि हमारे ये जो यूनिफॉर्म है उसमें हम काली लगने नहीं देंगे, चुनाव लगने नहीं देंगे। अब देखिए उसका यूनिफॉर्म पूरा जो मरे हैं उसका छाई जो है उसी से भरे हुए। इस बातचीत के लिए भी और तस्वीरों के लिए भी कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। गौरव भाटिया, सुधाकर रेड्डी,
अभी कह रहे थे बीजेपी और टीएमसी दोनों इसके लिए जिम्मेदार है, सीधे तौर पर वो बीजेपी को भी इसके पीछे बता रहा है। आपका जवाब? देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है आदित्य जी, शायद इसीलिए इनका सूपड़ा साफ हुआ है। पश्चिम बंगाल की जनता ने, ममता बनर्जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसका जिम्मेदारी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सुधाकर जी हम आप तो बड़े वरिष्ठ हैं पार्टियों का तरफ से, आदित्य जी आप देखिए इसका बारे में सुधाकर रेड्डी जवाब तो ले लीजिए। आप इंक्वायरी के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, मगर हम सुधाकर रेड्डी जी जवाब ले लीजिए सर। थैंक यू गौरव भाटिया, थैंक यू आदित्य जी। आदित्य जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा, पहले तो इनको याद दिलाना आवश्यक है, कांग्रेस के साथ चुनाव ये लड़े, इनका सूपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस पार्टी और इनकी शून्य सीटें हैं, इसका मतलब जनता तो इन पर विश्वास करती नहीं है। दूसरी बात संवैधानिक करूंगा, सुधाकर जी आप तो सत्ता में रहे, सबसे लंबे समय के लिए रहे, और हम सब जानते हैं कि ये जो राजनीतिक कत्लेआम होता है इसकी कोई जननी है तो वो आप ही की पार्टी है, लेकिन संविधान में आस्था आपकी जरूर होगी, संविधान कानून व्यवस्था को जो प्रदेश की सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी बताता है। सुधाकर जी, मैं चाहता हूं आप इस बात का उत्तर दें, जब विफलता ममता बनर्जी की होती है तो ठीकरा आप भाजपा के सर पे फोड़ते हैं, जबकि सत्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। हमारा डेलीगेशन जाता है, हम लोग शिकायत करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? ठीक 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 सर, जवाब लीजिए। केवल आग में तेल छिड़क रहे हैं। धन्यवाद। हम पहले भी बोले, ये हत्या जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में हुआ ये बहुत भयानक है, ये रिवेंज लेने के लिए और इनोसेंट लोगों को मार दिया है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर स्टेट गवर्नमेंट का है, उसका बारे में थोड़ा इंक्वायरी करना चाहिए, मगर ये भारतीय जनता पार्टी भी दूसरे स्टेट्स में गो संरक्षण का नाम से बहुत जगह बहुत हिंसा किया है, हमारे कितने बहुत लोगों को मारे गए, मार डाला है, किसका कार्यकर्ता लोगों को ज्यादा मार दिया, हरियाणा में, राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ये सब जगह आप लोग जहां ये पार्टी का सुपड़ा साफ। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।